भाषा स्वागत है सबसे पहले मोटी खबर मत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जरूरी फैसला दो कंपनियां ने करियो बंद गहलोत राज फैसला बदलवा की तैयारियां हरण शिकारी बात सुनियो सलमान कोर्ट में करियो फा को दावो अगली तारीख चार महीने जयपुर में आपसरी लड़ाई के बीच में बींद सागे मार आज ही हुनो हो गया और में चाल है लाज नेपाल आपदा में फंसे 55 राजस्थानी आया पाचा रोडवेज रिबस लेर पूगी जयपुर सरकार ने दियो शुक्राना जेपी नेता दिगंबर सिंह ने मिले नौ जीवन अमेरिका में इलाज पाचे पूजा जयपुर पेंट माए बीमारी राजस्थानी की मान्यता ने ले राजबात बात में कर्भोचारिया दरअसल जितनी भी आज तक कोशिश हुई है के बीच में कई राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलवा का जिका जतन है वे पूरा को नहीं लिया और कई अब जब छह महीने दिल्ली में धरणु हुसी तो बी मायने ने प्रयास है बान करिया पाचे कई मान्यता मिल जासी और ईर माय ने कर की जरूरत है अपनी सागे खास पावना जुड़ चुका है साहित्यकार नंद भारद्वाज जी अपने सागे है अपने सागे गायिका सीमा मिश्रा जी भी है आंसू हताई कर सर जानसें की राजस्थानी भाषा ने मान्यता रही बात तो हो पर मान्यता क्यों मिलनी चाहिए और जिसको मान्यता ने लेर सवाल है बी माते बे सवाल क्यों हो रिया है और ई का प्रयास महा अर्था ने मिल किया करना चाहे आप दोनों फर्स्ट इंडिया में स्वागत है नंद भारद्वाज जी छह तारीख ने धरना है ऊपली मैं आपको जानना चाह रहा हूँ जो राजस्थानी साहित्य है मेरा आधार मत क्योंकि क्यों जावे कि हिंदू ज़्यादा शब्द अपनी राजस्थानी भाषा में तो ओ मोटो आधार हो सके मानता रहो देखो मान्यता का तो तीन आधार हुए कोई भी भाषा का वो चाहे राजस्थानी हो या कोई भी भाषा हो एक तो मीन को जनमानस में एक लंबो व्यवहार गो एक परंपरा व इतनी प्रयोग में आती हुए कि जनता की आवाज़ ने दबाव की मतलब कोई जरूरत नहीं पड़े और दूसरी बात आ कि मीन एक बरसों से चाल तो एक साहित्य भी हुआ है भी मैं एक लोक परंपरा हुआ है भी कोई एक संगीत हुआ है अभी कोई तमाम जो को जीवन का कार्य व्यापार है भी सब में भी को प्रयोग होते हुए नेठे व्यापार भी राजस्थानी में हो आप नेठे जितनी राजकाज की बात होती अठे की स्टेट लैंग्वेज ही पहली आजादी से पहले उन्नीस रियासत ही मांगी संपर्क भाषा राजस्थानी मांगी आपो आपकी भाषा ही लेकिन मानेंगे विचेद का पत्र व्यवहार है और वह सारा पत्र व्यवहार राजस्थानी लेखागार में आज भी सुरक्षित है कोई भी बिने देख सके बिंगे अलावा बीगो एक साहित्य होना चाहिए हजार साल की साहित्य की परंपरा है बी व्याकरण है बीनगो शब्दकोश है नौ खंडा में सीताराम लालस इतो बड़ो शब्दकोश तैयार करे जो कि दूजी भाषा में आपने देखने नहीं मिले सही बात अरे रामकरण जी आसोपा आजादी दिसों पहले इगो व्याकरण तैयार कर दियो मिन के अलावा जितना दूजी भाषा का जो विद्वान है भाषा विज्ञानी है चाहे सुनीति कुमार चटर्जी वो ग्रिय वो तमाम धीरेन्द्र वर्मा जी वो आ तमाम लोग बताई कि राजस्थानी गुर्दरी अप्रंश निकलोड़ी एक सेपरेट अलग भाषा है सूर्जरी अप्रंश की परिवार की भाषा ही को नहीं जकि हिंदी में मिला रखी है गुजराती और राजस्थानी ये दोनों एक, एक ओरिजिन निकलोड़ी भाषा है गुजराती की जा जा आपने पॉलिटिकल सपोर्ट हो तो मान्यता ले ली राजस्थान में कोई बोलने वालों को तो आधार पर, पर कर था? सका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह की गुजराती की बड़ी बैंड बाज है राजस्थानी तो इन आधार में राजस्थानी ने मान्यता मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए गुजराती राजस्थानी को साहित्य कॉमन कौ, रहे नरसी मीरा दोनों जगह बराबर गई जाए दोनों दोनों की परंपरा चाल है दे प्रबंध चौदवी तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में दोनों भाषाओं में प्रचलित रहो है और बरसा तई दोनों भाषाओं साथ-साथ विकसित होती रही है मैं तो कते खान पान में पैरवेश में लोग व्यवहार में सब में एक दूजे बहुत मेल राख्यो अब आज़ादी मिल गई तो मान तो हमारी भाषा मिलनी चाहिए थी लेकिन मीट है हमारा जितना आगे वाले लोग आप सोचो भाई हिंदी ने मजबूत करो या वो और ने कोई करो तो आ, त्याग ओ, में तो राजनीतिक तो कारण मोटो हो सके इनका मायने कि राजनीतिक कारण वो पिछड़ गया शुरुआत में अब राजनीतिक आधार माते ही मानता मांग होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए राजस्थानी ने राजनीतिक आधार माते स्वतंत्रता तो को वही सबसे बड़ो एक फायदो है लोकतंत्र को सबसे बड़ो लाभ भी वही मान्य जावा कि कि भाषा ने मान्यता मिले संसद में जब सारी भाषाओं ने मान मिले और अपनी भाषा ने कम मान मिले तो आ कितने बड़े तकलीफ की बात है सही और बात यही है। वास्ते लाल सन उन्नीस सौ साठ बासठ करणी सिंह जी वगैरह तमाम लोग बोलता रिया है संसद में लेकिन अब, लारे में जितने तक का कोई मतलब रोड़ो नहीं करे या कोई आंदोलन नहीं करे या मार काट नहीं मचे और ही कोई तरीको तो कोई नहीं कोई आज लोकतंत्र में आपकी न्यायिक बात मनाउ को सही बात है और आप छः तारीख ने दिल्ली पूछ धरना में हमारी पूरी कोशिश है और बारा मैं व्यक्तिगत तो पूगूँ या मारा साथ तमाम साथी पूगे लेकिन तमाम लोग बटे पूगण की कोशिश में है अपने संग राजस्थानी कोकिला का नाम सुविख्यात राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा जी भी है छह तारीख ने दिल्ली में जंतर माता उबाड़ा धरना में ए भी शामिल सी और मुंबई सु के संगे नरा संगीत जगत का जिका जुड़े लोग है बेपी आसी सतीश दशहरा जी अभिनेत्री सन्नी अग्रवाल सिनेमा और टीवी सीरियल री अभिनेत्री नीलू जी जतिन अग्रवाल जी समेत सो सोबत्ता अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिका ई धरना रे मायने शामिल वेला ऐसा समाचार है और ज्यादातर लोग मुंबई से सीधा दिल्ली पूक सी। सीमा जी थे राजस्थानी भाषा ने ले गाना गाया गा, गा घना प्रयास था की तरफ हुआ घर घर में जो संगीत है वो थे पुगायो गायो पर अब जब मान्यता री बात हो रही है तो थाने भी बात री तो खुशी होली की ताका जी का प्रयास सालों चाल रही है अब जोर आयो है बिल्कुल बहुत खुशी की बात है और मान्यता तो मिलनी चाहिए क्योंकि आज हर जो स्टेट है बाकी सब सब भाषा में मान्यता मिल रही है तो अपने राजस्थान का तो लोग इतना आगे देश विदेश में अपनों नाम रोशन करे चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो संगीत में हो साहित्य में हो या उद्योग में हो और फिर भी भाषा ने मान्यता नहीं मिले तो बहुत दुख हो गया सुनकर तो ज़रूर और... इन मान्यता तो मिलनी चाहिए और मैं मेरे से जितों सहयोग हो सी मैं खुद भी बड़ा जाश और

सुरगा ने सर इदेव रमण ने आवे नर नारी गावे धरती धोरारी धरती धोरारी ओ धरती धोरारी सूरज कणकण ने चिम् चरावण कर जावे धरती धोरारी तारा निचरावण कर जावे धरती धोरारी काला या गहरावे बिरखा घू घरिया घमकवे बिजली डरती ओला खावे धरती धोरारी धरती धोरारी जोर कप बा। क्यों था सीमा जी जिकाए आबार गीत पर आपने भी संघर्ष समिति है अध्यक्ष के सी मालूजीव है कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए युवा वर्ग अखिल भारतीय सेवा में ज्यादा से ज्यादा बत्ता सुबत्ता अवसर ले सके कोशिश भी एक आधार पर ही हो सके है भाषा का माध्यम से अगर बात करा तो जिका प्रतिभागी है अबार तक जो का प्रतियोगिता हुआ है वह हम पिछड़ जावे राज्य की सेवा में भी माने कम से कम मौको मिले हैं ई कारण से भी आम होनी चाहिए नंद जी, जी। पढ़ाई रे जी की बात है आपका करा तो पढ़ाई रे मायने भी आपा कह सका कि जिसकी पाषण है छोटी बासु बा भाषा ने जी है आधार को नहीं मिले यणश जिका आभार काटाप दिया है आर एम भाषा की लोकप्रियता इतनी बढ़क सकी है देखो जी जी लोक सेवा हुए भी गो उद्देश्य हुए कि लोग ने सही सेवा मिले लोग ने कोई भी सेवा या कोई भी जो संवाद है ने समझने में कोई कठिनाई नहीं हुए कोई बिने परेशानी नहीं हुए और आ जद ही हो सके जब साम लो आदमी भाषा में पारंगत हुए भाषा ने जानतो हुए कोई भी प्रशासक बाहर लो आपकी दूसरी भाषा ले डावे तो बांगेर जनता के बीच एक कम्युनिकेशन एक संपर्क बने ही कौन नहीं बोल आपको आदमी ही कौन लागे बी को करोड़ों काम बिना बांगे भले में लागे ही को नहीं वही काम जो राजस्थानी बोलने वालों आदमी करे तो बिगे प्रति एक विश्वास पैदा हुए प्रशासन के और जनता के बीच जो को एक गैप पैदा हुए वो गैप अंतराल दूरी जी है कम हुए राजस्थानी ने मान्यता मिला मिल्यासूँ अठे जगह राजस्थानी का जगह प्रतिभाशाली लोग है बने ज्यादा से ज्यादा लोक सेवा में आव को मौको मिले बने इन्हें भी ने आपके रोजी रोटी वास्तु दुनिया भर में भागने की जरूरत को नहीं पहली आपके घर गांव ने आपके देश ने संभाले दुनिया में जा सके जरूर जाओ लेकिन पहली थाने थारी जगह माथे थारो थारो अस्तित्व कायम रहना चाहिए बट थाने थानो आधार मिलना चाहिए थारी इज्जत रहनी चाहिए पाषाणा में कारण आज टाबर है बन छोटा पढ़ाऊँ आप पढ़ाना चाहिए छोटी क्लास हम पढ़ाना चाहिए एक आधा पार्ट काम कौन चले अब आ कह सका आप भाषा हमेशा जद ही मजबूत बने जब बा बच्चे ने जी माँ भाषा सिखावे क्योंकि बच्चों दे, एक डेढ़ साल में जो भाषा सीखे और स्कूल ती आता आता तो वो बोलण में आपकी पूरी महारत हासिल कर ले भाषा जब भी निपढ़ने में यथावत बी बू को काम आ जावे तो इनको बुनियाद ये देखा पा आपकी पास साढ़ हुए रे मायने तो आपने हिंदी बोला है अंग्रेजी बोला हुआ गर्व है मारवाड़ी बोले पर वो आधार जो है पचपा लाड़ो ही बन जावे वो आधार कमजोर हो जावे वो बच्चे ने एक दूसरी तरह की दुविधा में पटक देवे बच्चों हर वक्त एक भावनाओं ग्रस्त हो जाए कि बिने बा दूजी की भाषा सिखाई दे चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो बा भा सीख सीखनी पड़े बा माँ सीख छोड़ी को नहीं बह अरे प्राथमिक शिक्षा तो बच्चे को बुनियादी जन्म सिद्ध अधिकार है लोकतांत्रिक अधिकार है बिने कियाँ छीन सको अः तो आप लोग मान्यता संविधान आ बात कहे और आप संविधान की जिकी मान्यता खुद तय करिए खुद की अवेल ना करा बी खुद ही को लागू को और देवा कितनी बड़ी बात है और एक मोटो सवाल है चलो ये का सवाल है चालता रह मानता जिसकी की बात है, है, है। करता रह सर बार थावस रोटे उगो है थेवस माना जा रही आप बढ़िया रिजियो राजस्थानी भाषा ने ले जी की हताइए बात चालती रेसी छह तारीख ने दिल्ली में धरनो है राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए इ प्रयास मायने फर्स्ट इंडिया भी जुड़ी हुआ है और मालोगारी भी कोशिश है कि जिकी आपकी भाषा है भी रोमान बुणो चाहिए आप भी बढ़िया रिजियो फर्स्ट इंडिया में बताया थे आपके बीच हाजिर हुआ बात हो रही है मायड भाषा की बात हो रही है राजस्थानी भाषा आठवीं अनुसूची में इन जगह मिलनी चाहिए इन लेर संघर्ष आज रो कोनी संघर्ष आजादी के सु शुचाल रही है पर आज तक चल रही है आ मोटी बात है घनी भाषा है जन अब तक संघर्ष रे बीच में मान्यता मिल गई पर अपनी भाषा ने मान्यता कौन मिली ई बीच में भोजपुरी भी एक ऐसी भाषा है, है जिन लेर भी बात हुआ है और मान्यता री बात हुआ है क्यों कि संगीत साहित्य रो आधार है जो कासा मोटो है संगीत री जिद बात हुआ है तो सीमा मिश्रा जी आपने सागे सीमा जी आपने लागे कि राजस्थानी भाषा री जी की फिल्म बनी जे माँ बात हो या फिर जीका गीत है आप जीका गीत गाया भे आज तक गाया जावे पर अब जो नई पीढ़ी है बी रामायण में गीत कौन आया आप आड़ा ही पच गाया जावे तो वो एक कारण है कि नई रचना है जीरो थोड़ा सो भाव है या फिर भी न सरकार की तरफ सू या फिर जीका अपना राजस्थान र निवासी है मां तरफ वो रुझान कौन मिलियो वो रुझान को मेन कारण वही है जी आ बार आ, आ, सर बोलिया कि आपने शुरुआत तो मारवाड़ी घर से ही हो तो वो माहौल ही कौन ही बने हो ना क्योंकि ना तो आपने कोई पढ़ाई में कोई इसी मारवाड़ी भाषा की बात है बच्चा भी आजकल हिंदी बोला है घर में मारवाड़ी कोई सीख ही को नहीं तो सबसे मेन कारण वही है अगर मारवाड़ी शुरू से आपा बोलांगा आज मैं गाना गाया हूँ तो मैं मारवाड़ी बचपन से बोली हूँ तो बात अच्छी लगे तो जब तक अपनी भाषा मान्यता नहीं मिलेगी देगी सरकार तो चीज़ की, की, की फिल्म है आज जी की हिंदी फिल्म है राजस्थान में आवे है जिया चाले मराठी ने ले लिया मराठी फिल्म अब, अब, अब महाराष्ट्र में देखा तो तीन पांच बजे तक दिखा जरूरी हो गए है वो फैसलो सरकार लिए

तो यह भाषा मुश्किल ही मान्यता मिले क्योंकि मेन तो सरकार को सहयोग होना जरूरी है आप सब भी के लिए आगे आ सका लेकिन सपोर्ट सरकार को बहुत जरूरी है क्यों संगीत जी जीको हुआ है तो, बेरा का भी कान में तो वो हाँ। भी झूमबा लागे है कारण मैं आप उचारे यहाँ कि एक और गीत हो जाए जिसू जी का है की आपका गीता का माध्यम से जिले सुनिश्ले अगर मेरा गाना से ही आगे सहयोग मिला तो मैं जरूर गाऊंगा बिल्कुल <laughs> कुर्सी काडो सुना रही हो दोबारा मैं कागलिया सुनाऊंगी ठीक सर कागलिया गरो गरो बोलहि नि रे कागलिया गरो गरो बोलहि नि रे भर परवानो बाचणियों भर परवानो बाचणियों परदेस परदेसी ओली उथरिया रे कागलिया गेरो गरो, गरो बोल रे बहुत बढ़िया तो मैं आई माना कि सीमा जीरा का गीत है जरूर कोई सुने और राजस्थानी भाषा की जो मान्यता है बिन लेर आपरा प्रयास बड़ी मैं आपका नाम नंद भारद्वाज जी पांच साल की बात होगी नौकरी को जो लालच है वो तो होगो पर आज तक दोस्त राज रो तो राज रो ही है या फिर आपने कहा भी कोई दिक्कत होती है ये मामला रे देखो जी है नेता लोग हुए और जब भी पाँच साल में चुनाव आवे जब तो आने भाषा बहुत मीठी लगे क्योंकि मीठा माने वोट चाहिए और वह वोट जब अंग्रेजी या हिंदी या कोई दूसरी भाषा में बोलन जो जनता के पीछे पुगे तो लोग माने सुने को नहीं माने उगा पाछ आ पड़े जन्ना वो बिने लोगों को सेंटीमेंट ने बिने भावना ने आपके साथ लेने वास्ते भी टाइम तो बह हितैशी बने खूब भांगी जुबान में भांगे लहजे में भांगे मुहावरे में बात करे लेकिन जब वो काम सर जावे जदा वह भी तरफ ध्यान हटा ले हुए आ राजनीति की सबसे बड़ी एक अजीब तरह की प्रवृत्ति है जी जो खुद राजनेता सोचना चाहिए कि जनता के प्रति कितना वफादार है जनता ने एक उम्मीद है क्या आपके प्रतिनिधि आपके नेता शूँ के मी भाषा ने मी संस्कृति ने मिंगे जरूरत ने वो आगे रखे बाने महत्व देवे बांगे वास्ते वो जटे कटे भी बोलन की गुंजाइश हुए वो बोले और आपकी भाषा में बोले संसद में भी बोले तो राजस्थान में भी बोले विधानसभा में बोले तो राजस्थानी में बोले ताकि जब इन्हें सुने नहीं आपको एरिया को आदमी आपके क्षेत्र को आदमी तो अभी इन्हें विश्वास हो कि हाँ वो हमारो प्रतिनिधि है वो माने रिप्रेजेंट करे वो हमारो हकदार आदमी है इन्हें अगली बार भी औजद आवेगो तो तिलक लगा नहीं वोट देवांगा लेकिन अब की जी तरह की प्रवृत्तियाँ विकसित हुई है आज चिंता की बात है और खुद राजनेता बनेंगे चिंता करनी चाहिए बाकी आज़ादी की लड़ाई पूरी राजस्थानी में लड़ी जी सही बात डेढ़ सौ साल तक आप लड़ता रहा अपनी मुख्य जी भाषा ही बात आई तमाम तीराल देवपुरा इरालाल शास्त्री ले लो चाहे जयनारायणी व्यास ले लो माणिकलाल वर्मा ले लो ए तमाम लोग राजस्थानी का अच्छा लिखारा भी हा बी टाइम जितो भी आंदोलन चलो बी आंदोलन की मुख्य भाषा राजस्थानी कोई समझ तो कोई नहीं के हिंदी या कोई दूसरी भाषा अटक मायनों रखे तो बी टाइम तो थाने ज़रूरत पड़ गई आज भी थाने सैलानिया ने जो आकर्षित करना होने अट्ठे लावना हुए तो अट्ठे को संगीत चाहिए अट्ठे की सारी रीति रिवाज चाहिए थाने मेला खेला भी करना पड़े बी टाइम भी राजस्थानी ही सारी सारी, सारी करे। भी है जब काम निकल गयो, बी टाइम थे भी ने बिसार दी आज चिंता की बात आ टेम टेम री बात सामने आवे कि जन टेम पड़े और जरूरत पड़े आप री बात हुए जन तो आप राजस्थान निवासी ने मानता री बात उठाओ दोनों पार्टी री बात करा कांग्रेस और बीजेपी की तो आपकाली वर चुनाव रे मायने ने बे आपरा घोषणा पत्र में भी मुद्दा ने शामिल करियो और पेल काली वर कांग्रेस और राज हो जन कासा ई पर रोड़ो भी हुयो पण इरे पाछे बात कोनी महाराज साहब एक बात और है कि अमेरिका में ही भाषण मानता है पर अपना देश रमाण नहीं कोनी नहीं जो को दोगलो व्यवहार है अपने सागे हो रही हो अपना देश रमाण नहीं आधार है जी मत का टाइम वो आप कह सका कि आवाज़ उठाता रिया देखो जी दुनिया में जो जटे कटे भी समझदार लोग है जटे कटे भी ईमानदार लोग है वे दुनिया में तमाम जटे बड़ी भाषावा है वहां साहित्य ने वहां कल्चर ने पूरा मान देवे अंबार जो का दुनिया भर का देश हमें राजस्थान का इतना लोग कारोबार है इतना लोग बैठे बस चौड़ा है बैठे रहे तो ठीक है बैठे भी बैठे गए भाषा में व्यवहार करे लेकिन आपके घर में आया माने आपकी भाषा चाहिए माने आपकी संस्कृति चाहिए और बा संस्कृति भाषा बा, बने आपके देश में भी जुड़ रखे तो और जो को सेतु है और जो को संपर्क है और मजबूत होना चाहिए और कमज़ोर क्यों पड़े

गुजराती तीन तरह की है मराठी तीन तरह की है जकी राजस्थान हूँ तीन गुणा छोटा स्टेट है राजस्थान इतना बड़ो स्टेट है आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ो स्टेट है राजस्थान सबसे बड़ो प्रांत है अरबी मी की जिती जितो जितों फैलाव है मी में भाषा के लहजे में फर्क आवे मूल शब्द संपदा को नहीं बदले क्रियावा कोनी बदलव है जहाँ सर्वनाम है बे को बदले बंगा बीचला जका प्रीपोजिशन जीपोजिशन बे को बदले बदले कहीं है सिर्फ लहजों बदले थोड़ा बहुत स्ट्रेस बदले है स्लैंग हो जाए हावड़ मैं मने हावड़ कर, कर दी कोई को मैंने सावड़ कर दी कोई मैंने ठीक कर दी तो यह थोड़ा जहा वेरिएशन है ज़्खा थोड़ा जहा फर्क है तो स्वाभाविक है और आ बोलियां के की मानक भाषा बनी है जी बरसा ताई हजार बरसा आई भी भाषा में साहित्य लिखी जो है बावी की स्टैंडर्ड भाषा है जो की जो खड़ी बोली है बाबी की स्टैंडर्ड भाषा है एक भले यार फणेश्वरनाथ रेणु ने पढ़ोगा तो समझ जाओगे कि फणीश्वरनाथ रेणु बिहार का आदमी है या पंजाब को में कोई अमृता अभ्रित हिंदी लिखे तो माँ या कृष्णा सोवती हिंदी लिखे तो मैं समझ में आ जावे कि पंजाब ओरिजिन ओरिजिनल आयोडा है इन वास्ते आगे हिंदी इसी है

चिरमी मारी चिरमली चिरा चिर चिरमली हारी चिरा चिर मीरा डाला चार भोली मारी चिर चिरमीरा चिर चार डाला मारी हारी चिरमी मीरे रे लाडली বাবো চাৰি লাডলি ভাতো কাল যিয়ে কো ভোমিৰে ভাতো কালি ভাৰি চিৰি মিৰা ডাচাৰি যাওঁ নে শিৱা বহুত বহুত ধন্যবাদ नंद भारद्वाज जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ये भाषा ने कितनी खूबसूरत है हम सगड़ा ने बताया मायण आपको गया और मैं भी आई कोशिश करा कि छः महीना धरना सागे ही राजस्थानी भाषा ने जिसकी मान्यता है वह मिल जानी चाहे और ये बारे में आप सगड़ा जी का प्रयास है वे सार्थक होता जावे आज ही हताई में तो ही आप देखता रह फर्स्ट इंडिया राम राम जी